यमुना की झील, दूसरा बाप यमुना की झील, दूसरा बाप एक से ग्यारह आयात तक हम पढ़ेंगे। यमुना की झील दो बार एक से ग्यारह आयात लिखा है। फिर तीसरे दिन काना के गलील में शादी हुई, यीशु की माँ वहाँ थी, यीशु और यीशु के लोगों की भी शादी में दावत थी। जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने मुझसे कहा, उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने कहा, यार मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने बाद मुझसे कहा, जो ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुताबिक पत्थर के छह मटके रखे थे और उनमें दो दो तीन तीन मन गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने लबाला भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, तुम निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस में वो पानी चखा तो मैं बन गया था और जानता ना था कि वहाँ से आई, मगर खादम जिन्होंने पानी निकाला था जानते थे। तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उनसे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पी कर चल गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक न छोड़ी। ये पहला मुद्दा यीशु ने गाने के लिए में दिखा कर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शबेर इस पर ईमान लाए। बात करके पढ़े जाने पर सुने जाने पर अमल करें। आमीन आमीन आमीन। अफसोस वाले घर में बगैर दावत के जाना चाहिए और खुशी वाले घर में दावत के बगैर कोई नहीं जाता। मेजबान जो है वो मेहमान की दावत का इंतजाम पूरा पूरा करने का मजाज होता है, उसे करना भी चाहिए। और मेहमान मेजबान के लिए गिफ्ट तोहफा लेकर जाता है। मेजबान और मेहमान दोनों एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक हासिल रखते हैं। ये यहूदी जो रस्म और रवाज है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आज डिफरेंट है। दुनिया दुल्हन की तरफ मुतवजा होती है। जब शादी होती है ना तो सब दुल्हन की तरफ मुतवजा होती है, लेकिन बाइबल दूल्हा की तरफ मुतवजा करती है। खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस हमें दूल्हा की तरफ मुतवजा करती है, क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया जो उसकी दुल्हन है उसका दूल्हा है।
और इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें दुल्हा की तरफ मतवजा करती है, ताकि दुल्हन दुल्हा के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो सके। इस हवाला में जो पहली बात है वो दावत है। कोई खुशी का मौका हो, शादी का मौका हो, सालगिरह का मौका हो, कोई पार्टी का मौका हो, या कोई भी खानदान में या अजीजों में हम खुशी सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें दावत देना एक दूसरे को जरूरी होता है। हम एक दूसरे को दावत देकर बुलाते हैं, और हम में से ऐसे बहुत सारे हैं जो कोशिश करते हैं कि हम अपनी दावत में, शादी के फंक्शन में, पार्टी में किसी बड़े लीडर को बुलाएं। कोई एमपीओ को बुलाता है, कोई एमएनए को बुलाता है, कोई बिशप सबान को बुलाते हैं, या तरह तरह के जो मुतबर अहम शख्सियात हैं लोग उनको दावत देते हैं कि वो हमारे घर में आए। और वो अपने लिए इज्जत की बात समझते हैं कि हमारी दावत में, हमारी शादी में, हमारे प्रोग्राम में, हमारी पार्टी में फलां शख्स आएगा तो हमारी वहाँ पर बल्ले बल्ले हो जाएगी, बाजी बाजे फलाने मंदिर बुला, ऐसे ही होता है। अक्सर हम ये सोच रहे हैं, और हम सब ये चाहते हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं जो ये ना चाहता हो कि उसकी ज़िंदगी में मौजूदा हो। हर शख्स चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मौजूदा हो। कलीसिया चाहती है कि कलीसिया में मौजूदे हों, लोग चाहते हैं कि उनकी शादियों में मौजूदे हो जाए, लोग चाहते हैं उनकी पार्टी में मौजूदे हो जाए, ज़िंदगियों में मौजूदे हो जाए। हमारी ज़िंदगी में अगर मौजूदा हो, अगर आप ये चाहते हैं आपके खानदान में मौजूदा हो, तो फिर क्या है, एमपीओ को दावत देने की जरूरत है, किसी बड़े लीडर को दावत देने की जरूरत है, बिशप साहब को दावत देने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं तो बादशाहों के बादशाह को, खुदावंदों के खुदा को अपनी खुशी के मौका पर दावत, वो आपके खानदान में, आपकी जिंदगी में मौजूदा करने की कुदरत रखता है। और जब वो आपकी पार्टी में, आपकी शादी में, आपके घर में, आपकी दावत में शामिल होगा तो रौनक को दोबारा कर देगा। दूसरी बात, हमें शिफायती की जरूरत है, इंटरसेप्शन की जरूरत है। शिफायती किसको कहते हैं, जो आपके लिए शिफायत करें, आपके लिए दुआ करें, आपका मददगार हो। पुराना अहदनामा में जो काहिन थे, सरदार काहिन थे, वो इंटरसेसर होते थे, लेकिन नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह हमारा शिफायती है। कौन है शिफायती हमारा? किसी जगह इबादत हो रही थी तो किसी शख्स ने पादरी साहब से सवाल किया। उस शख्स ने कहा कि पादरी साहब, खुदावंद यीशु कौन सी जुबान को समझता है कि मैं उस जुबान में दुआ करूं।
तो पादरी साहब ने बड़ा खूबसूरत उसको जवाब दिया कि दिल की आवाज, और फिर उसने हन्ना की मिसाल दी कि जब उसके औलाद नहीं थी और उसकी जो सौतन थी उसको चढ़ाती थी, तो वो जब हैकल में आई तो उसने दिल की आवाज से खुदा के नूर दुआ की, उसके लब हिल रहे थे, आंसू जारी थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। इसलिए आपके पास जो खामोशी का वक्त है, दुआ का वक्त है, सबसे अहम है। जब आप सिर्फ दिल से उसके हुजूर दुआ कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, इस दावत में मुकद्दसा मरियम उस घराने के लिए शिफाई की। जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उसे कहा कि उनके पास मैं नहीं, अब सिफारिश के लिए, मदद के लिए मुकद्दसा मरियम अपने बेटे के पास। वो जानती थी कि ये इनकी मदद कर सकता है, और वो यहूदी दस्तूर को भी जानती थी। आगे चलकर हम देखेंगे तो वो यहूदी दस्तूर को भी जानती थी। आज के दौर में जो पास्टर हैं अपनी अपनी कलीसिया के इंटरसेसर, शिफायती है, मददगार, दुआ करने वाले, क्योंकि पास्टर को घरानों का, खानदानों का बखूबी इल्म होता है। अब इस घर में, जिस घर में शादी थी, दावत थी, मसला पैदा हो, मरियम जब इसको जान चुकी कि शादी वाले घर में मैं पत्नी हूं, तो वो उस मसले के हल के लिए गुलाम यीशु के पास आ गई। मैं बनाने का एक अमल है, मैं बनाने का एक अमल है। अगर आप उसको सर्च करें तो आपको मालूम होगा कि बहुत लंबा ये अमल है। उस घर में तीन तीन मन की गुंजाइश वाले कितने मटके थे, छह मटके। उसमें कितना पानी डाला गया, हाँ जी, लबालब। कितने मटके थे, तो उसमें तीन तीन मन की गुंजाइश थी। कितना पानी हुआ था, हाँ जी, 18 मन पानी। और अगर उन छह मटकों को अंगूरों की मैं से भरते तो उनके लिए उनको 72 मन अंगूर तोड़ने पड़ते, 72 मन अंगूर तोड़ने पड़ते, और फिर कितनी लेबर उसके लिए लगानी पड़ती, बहुत सारी लेबर लगानी पड़ती, कम से कम 3 दिन लगते। फिर कोल्हू में डालते और उसकी मैं बनाती। लेकिन मैं जो है ये 18 साल में बनती है, जो बेहतरीन किस्म की होती है, इसका जो अमल है वो 18 साल तक जारी रहता है। अगर वो अपने से कोशिश करते तो शायद उनका मसला हल ना। ये मसला उनके लिए नामुमकिन था। मौजा किसको कहते हैं, वो काम जो नामुमकिन,
मोजा उसको कहते हैं जो नाकाम, जो काम मेरे लिए नामुमकिन हो कि मैं नहीं कर सकता या आप नहीं कर सकते या दुनिया का कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता और आपके लिए हो जाए तो वो मोजा। तो जब वो यीशु के पास गए इस मसला को लेकर, जब यीशु के सपुर्द कर दिया वो मसला, जब अपनी फिक्र खुदा यीशु मसीह को दे दी, मुकद्दसा मरियम ने कोई सवाल जवाब का दूसरा तीसरा जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ ये कहा कि जो ये तुमसे कहे वो करो, जो ये तुमसे कहे वो करो। हमेशा जो यीशु मसीह कहे हमें वो करना है, लेकिन हम करते नहीं। जो यीशु मसीह हमें कहे हम वो करते नहीं हैं, हम अपनी मर्जी से वो करते हैं जो हमारी मर्जी होती है। जैसे हम कहते हैं मेरी मर्जी, जो मर्जी मैं करता हूं, और ये हम अपनी जिंदगी में लगातार अपने साथ साथ करते हैं अपनी मर्जी। पुराने अहदनामा के अल्फाज यहां पर दोहराए गए, फिरौन ने मिस्रियों से कहा था, फिरौन ने मिस्रियों से कहा था, जब यूसुफ उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था, जब सारा प्यार उसके पास था, जब अनाज की शॉर्टेज थी उनके पास, जब अनाज सिर्फ यूसुफ ने जो गल्ला जमा किया हुआ था, तो इसलिए फिरौन ने मिस्रियों से कहा भी मैंने कुछ कहो जो तू कहता वो करो, यानी जो यूसुफ कहे वो करो। और यही वो अल्फाज हैं जो राय थे। अब इसमें हदायात है, इसमें इस पैसेज में इस हवाले में हमारे लिए कुछ हदायात भी हैं। जो सुनिएगा, जो यीशु मसीह की नहीं सुनता, जो उसकी मर्जी को बजा नहीं लाता, उसकी जिंदगी में मौजूदा नहीं। राम यीशु ने भी कहा था ना कि अगर तुम मेरी बाप की मर्जी को पूरा करोगे तब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जब हम खुदावंद की मर्जी को पूरा नहीं करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे जो वो कहे, तो क्या मौजूदा हो सकता है हमारी जिंदगी में? एक औरत, पुराने अहदनामा का जिक्र, एक औरत अपना मसला लेकर पुराने अहदनामा में एलीशा के पास गई थी। किस लिए गई थी? उसका एक बड़ा मसला था, वो किसी और के पास नहीं गई, वो खुदा के खादिम के पास गई। उस औरत का मियां मर चुका था, उसके बच्चे थे और उस पर कर्ज था। जिनका कर्ज देना था वो अपने कर्ज वापस लेने के लिए उसके पास आते हैं, नहीं तो हम तेरे बेटों को बेच देंगे और सारा कर्ज ले लेंगे। तो वो कहां गई? एलीशा। और जो कुछ एलीशा ने उसको कहा उसने वो किया और उसका मसला हल। हम खुदा की रहनुमाई नहीं चाहते, हम खुदा की मदद नहीं चाहते, हम खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करना चाहते और हम ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में मौजूदा होते। ऐसे मौजूदा नहीं होते। मौजूदा अमल करने से होते हैं, मौजूदा हदायत को मानने से होते हैं और सही डायरेक्शन में जाने से होता है। यीशु ने भी उनको कहा कि
छह मटकों में क्या कर दो, पानी भर दो। हदायत दी उनको कि मटकों में पानी भर दो, और लिखा कि लबालब। लबालब का क्या मतलब है? कुत्तों उछलना, यानी अब उनके अंदर पानी और डाला नहीं जा सकता था, पानी ही पानी फुल हो गया। शायद अब उन्होंने डाला हो पानी तो पानी उछल के बाहर गिर गया। इसको कहते हैं लबालब फुल। अब लोग सोच रहे होंगे कहते पाया थे पानी, अब लोग ये सोच रहे होंगे जो इर्द गिर्द खड़े होंगे देख रहे होंगे, वो कहते यार की तो पानी तो पाया ना नहीं। पानी की मैं बन सकती वो सोच रहे होने, वो इन्ने अंगूर चाहिए ने, इन्ने बंदे चाहिए ने, इन्ना कोल्हू चलाना है, फलाना करना फलाना करना, तां जाके मैं तैयार होनी पानी भर। ईमान की कमी हो तो मसले हल नहीं होते, ईमान की कमी हो तो मसले हल नहीं होते। यीशु कहता है कि राई के दाने जितना ईमान आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर राई के दाने जितना ईमान है आप पहाड़ को हिला सकते। आपका ईमान बहुत कुछ कर सकता है अगर वो ईमान यीशु पर राई के दाने के बराबर भी ईमान आपका पास। लेकिन जो सोच रहे थे वो ना हुआ, बल्कि जो ईमान रखते थे, जो उस बात पर ईमान रख गए कि जो कुछ इसने हमें कहा है हम ये करेंगे, मैं बन गए। उन्होंने हदायत पर अमल किया, पानी लबालब भर दिया, छह मटके भर दिए, और अमल करने वालों ने सुना। पादरी अच्छे कहता रहता बेचारा ईमान सुनना पैदा होता जे सुनना मसीह के कलाम चो, मसीह के कलाम चो पादरी साहब सुना सुना के कह कह के थक जाते हैं, फिर लोग सुन के सुन हो जाते। भाई अगर आप ईमान नहीं रखेंगे, अमल नहीं करेंगे, ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर आप ईमान लाते हुए सुनते नहीं और उस पर अमल नहीं करते फिर आपके लिए कुछ नहीं होता। जो आप सुनते हैं ना वो कहाँ जाता है? जो आप इन कानों से सुनते हैं, आपने मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, तो आपके कानों में जा रही है ना, कानों के बाद कहाँ जा रही है बताएं जरा। आज आपका टेस्ट है, हाँ जी, कहाँ जाती है? दिमाग में। बच्चों ने सही जवाब दिया, जो बात आप सुनते हैं वो आपके दिमाग में जाती है, और दिमाग के अंदर जो सिस्टम है वो आपको कहता है कि ये करो, लेकिन फिर ये आवाज हिलेबाज को ला जाने। लिबास कौन है? दिल ला इलाज और ही लिबास। वो कहता छट, वो कहता है आवाज आई है ऐ कर, ऐ कहता नहीं नहीं ऐ नहीं करना, अपनी मर्जी करनी। मसलन एक टीचर है ना, आप अपने स्टूडेंट को कहती हैं वो कुर्सी उठा के लाओ, बच्चा सुन रहा है लेकिन उसने कुर्सी नहीं उठाई, वो सुन रहा है कुर्सी नहीं उठाई, तो टीचर चला कर क्या कहेगी, बेरा है सुनने रहा, ऐसे ही चलाती है टीचर ऐसे। तो सही बात भी कह, हमेशा कलाम को सुनते हैं दिमाग में ले जाते, अमल नहीं। अगर अमल करते
तो जैसे उन्होंने पानी से मैं को हासिल किया, हम भी कलाम से बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। जब हम कलाम को सुनेंगे, अंदर लेकर जाएंगे और जो वो कहे अमल करेंगे, तो तेरा सो मेनी बेनिफिट्स, बहुत सारे फायदे जो हमारे लिए होते हैं, लेकिन हम उनसे फायदा नहीं उठा सकते। मौजदात हासिल करने के लिए हमें हदायत पर अमल करना जरूरी है। हम बस कहते हैं मौजदा हो जाए, मौजदा हो जाए, मौजदा हो जाए, ना ईमान रखना, ना कलाम सुनना, ना अमल करना, मौजदा हो जाए। वो एक आदमी था जो मफलूज था, उसको कितने लोग उठा कर लाए, क्यों उठा कर लाए? उनके अंदर ईमान था, ईमान से अमल करके लाए थे, उठा कर लाए थे, और फिर मौजा हो गए। ईमान, अमल और मौजा। हम ईमान रखते हैं, अमल नहीं करते, हदायत पर अमल नहीं करते। जो कलाम कहता है हम वो नहीं करते, हम अपनी मर्जी। चौथी बात, हथियार। आप यीशु के वेपन हैं, आप यीशु के हथियार हैं कि नहीं है? नहीं है। जरा यीशु ने इस्तेमाल नहीं होता हथियार के साथ, कैसे हथियार है? अगर आप यीशु के लिए इस्तेमाल ही होते तो आप कैसे वेपन हैं, कैसे हथियार हैं? यहूदी दस्तूर के मुताबिक वहां तहारत के लिए मटके रखे थे, आपको भी मटके बनना हो, यीशु के लिए मटके बनना हो। एक जगह पालू सुख शुरू क्या कहता है, अपने आप को बिजली का बर्तन है, बर्तन यीशु के जो सिपाही होते हैं, ये लेटे ले गए, कभी फौजियों को सिपाहियों को देखा है? ले होते चौकस होंगे, साढ़े यीशु के सिपाही सारे टेले, ना इन्हें को हथियार नहीं, का मुसनफ जब कहता है कि हमें हथियार से लेस होना चाहिए, लेकिन हम हथियार से लेस नहीं होते, ना ही हम बर्तन बनते हैं। खुदा के कलाम में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज, जानदार है या बेजान है, वो खुदा का हथियार है, यीशु का हथियार है। मैं को जब मेरे मजलिस के पास लेकर जाते हैं, वो पानी जो मैं बन चुका था, इसमें एक बात और भी है, मेजबान के पास मैं नहीं हूं और मेहमान के पास गिफ्ट नहीं है, लेकिन यीशु ने ऐसा तोहफा दिया कि मेजबान को शरई जो सजा से उससे बचा, और मुकदसा मरियम भी जानती थी कि बाद मैंने तक कानूनी शरई झगड़ा शुरू हो गया। मेरे मजलिस आराम हुआ, मेरे मजलिस जो है इसको शरई कौंसिल जो है वो मुकर्रर करती थी, लोग भी हैरान हुए, मेरे मजलिस भी हैरान हुआ, मुझे और आपको भी लोगों को हैरान करना नहीं था, मुझे और आपको लोगों को हैरान करना नहीं था। जब एक शख्स जमीन पर तौबा करता है, जब एक शख्स
जमीन पर तौबा करता है तो आसमान पर बड़ी खुशी होती है। एक गुनाहगार जो तौबा कर ले उससे बड़ी खुशी या बड़ा मोल जाता है। लोग हैरान होते किसी ऐसे शख्स को जो बहुत ही करप्ट हो, बहुत ही गुनाहगार हो, नशेई हो, लड़ाका हो, गालियां देने वाला हो, मारपीट करने वाला हो, और जब वो मसीह में आ जाए, चेंज हो जाए, तो लोग उसको देखकर हैरान होते हैं। होते ना कि नहीं होते? कोई शख्स था जिसमें लश्कर था, जिन्हों बेड़िया ना बन के रख गया, जब वो आजाद हुआ, जब वो क्लियर हो गया, तो लोग हैरान हो गए। यह थे वो ही बंदे ने जिन्हें बेड़िया ना बनते। इससे बड़ी और खुशी क्या है कि हम जो बेड़ियों से बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं अबलीस की वजह से, और अगर मैं और आप यीशु का हथियार बन जाए, वेपन बन जाए, बर्तन बन जाए, उसके लिए उसकी आवाज बन जाए, और अगर लोग तौबा कर जाए, मौजज़े हो जाएंगे दुनिया। इससे बड़ा और कोई मौजज़ा नहीं है। ये तो को ना करो ऐसे मौजों की कि फना हो गया, फना हो गया, लंगड़े चल गए, चुंडे हाथ आ गए, अंधे देखने, वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि जब एक शख्स जो गुनाहगार है वो तौबा करता है। ये सबसे बड़ा मौजज़ा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मौजज़ा हो, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको उन मटकों की तरह इस्तेमाल करे, अपने आप को खाली करें और रूल को उससे लबालब भर जाए, अपने आप को खाली करें, खुदा की आवाज को सुने और रूल को उसको खुदा उनसे रिसीव करें। ये वादा है कि रूल को उसको इनाम में मिलेगा। आप में से कितने हैं जिन्होंने अभी तक रूल को जैसे नाम में पा लिया है? शायद ही कोई हो। क्योंकि हम ना जिंदगी में दावत देते हैं, ना खानदान में दावत देते हैं, ना हम उसके लिए बर्तन बनते, ना हम उसका कोई ख्याल बनते, ना हम शफायती बनते, ना हम दुआ करने वाले बनते, ना हम दूसरों के मददगार बनते, और ना ही हम हदायत पर अमल करते हैं, और ना ही हम कलाम को सुनते हैं और उसको अपने अंदर। आए आज यह करें कि मैं लोगों को हैरान करूंगा, मैं दुनिया को हैरान करूंगा। आए उसके लिए बर्तन बन जाए, आए उसका हथियार बन जाए, आए आज मटके बन जाए, रुकुस से लबालब भर जाए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है और हम सब का वो निजात जिंदा है। यीशु ही शाफी है, यीशु ही बचाने वाला है, वही छुड़ाने वाला है, वही पाक करने वाला है, वही हमारी जिंदगियों में दस्तरखान को बिछाता है और हमें खाने पर दावत देता है। आज भी उसने दस्तरखान बिछाया हुआ है और मुझे और आपको उसने दावत दी है। आए उसका शुक्र करें जिसने मेरा और आपका कफारा दिया है। आए उसका शुक्र करें जिसने अपनी कीमती जान मेरे लिए लगाई। आए उसका शुक्र करें जिसने जिंदगी में अजीब काम किए, जिसने अब तक जिंदा और सलामत रखा है, जिसने आज ये फजल बख्शा है कि हम उसके घर में आए, इस पाक मेज में शामिल हों। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यीशु मसीह के नाम, आमीन।